हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, वो कराने वाली हूँ। इसमें आपको एक तरीके से प्रूव करना है। तो वो क्या करना है, आपसे कह रहा है इफ कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा इज इक्वल टू एम एंड कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू एन, एम और एन की वैल्यू आपको दे रखी है, शो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब ये वाला जो है ना, इसमें आपको इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, दो वैल्यूज हमें यहाँ दे रखी है, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। एम की वैल्यू मुझे कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा दे रखी है और एन की वैल्यू मुझे कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा दे रखी है। अब मैंने ये लेफ्ट साइड यहाँ पर ली अपनी, वो मुझे दे रखी है एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, एम स्क्वायर, एम की जगह मैंने यहाँ एम की वैल्यू रख दी तो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, क्योंकि एम पे स्क्वायर था। सेम ऐसे ही एन में किया, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा हो गया। और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर बीटा ऐसी है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने बेस सेम किए तो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा एलसीएम आ गया। यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। ये एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ये तो इससे कट हो गया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे। यहाँ से न्यूमरेटर में से मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बचाओ, और नीचे मेरे पास बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा। ये तो कट हो ही गया था, ये तो वन होता है। आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो वन के बराबर होता है, तो ये तो वन हो गया। वन को इससे इंटू करोगे तो यही आ जाएगा। इसको मैं ये लिख सकती हूँ कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा एन की वैल्यू है, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं ना यहाँ पर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आपको यही प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। देखने में लग रहा था क्वेश्चन होगा कैसे, लेकिन अगर आप नॉर्मली सी वैल्यूज को पुट करोगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। फिर भी कहीं डाउट लगता है किसी स्टेप में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट एक बनी हुई है। थैंक यू।